बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू तबस्सुम्स किचन। आपको ये दिख रहा होगा कि ये क्या है जी। आज वीडियो बन रही है, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं ओवन की सफाई कर रही हूं, तो सबसे पहले हम इसका जो स्विच है उसको एक साइड पे कर देते हैं, और उसके बाद जी हाँ, ओवन को खोल के ये जी ओवन जो है बेचारे की ये हालत हुई हुई है, आपको दिख रहा है। तो इसको क्लीनिंग इसकी स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये जो इसका प्लेट है, ये देखो खासी मैसी हो चुकी है, तो कोई हाल नहीं है। जो मासियाँ हैं ना, वो ठीक से काम करती नहीं है। तो मैंने सोचा मैं खुद ही आज इसको क्लीन करती हूँ और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर लूँ। इसको मैं वॉश कर लेती हूँ, ठीक है। और जो ये है इसका, ये इसको भी हम निकाल देते हैं, साइड पे रख लिया। और बाकी की क्लीनिंग हम स्टार्ट करते हैं। ये अब आपको सही से जी दिख रहा होगा, ये ठीक हो गया। ये देखिए बहुत ही मैसी हो गया ये ओवन। तो हमने जी ले लिया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास पॉलीस्टीरीन कप है, इसमें मैंने थोड़ा सा ले लिया है क्लीन वाटर। साथ में ये एक कटी हुई बॉटल है, इसमें भी मैंने पानी ले लिया है। आप मग में भी ले सकते हैं साफ़ पानी, या किसी भी और बर्तन में, ठीक हो गया जी। अब हम इसमें डालेंगे लिक्विड डिश वॉश। ये जी लिक्विड डिश वॉशर हमने इसमें ऐड कर लिया। आप चाहें तो डिटर्जेंट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छा अब आपने लेना है एक नीट एंड क्लीन कोई सा भी कपड़ा। ये मेरे पास है जी वॉशिंग वेयर टाइप होते हैं ना, ऐसे वाला। तो इसको हम भिगो के और फिर उसके बाद इसको अच्छे से निचोड़ के, सर्दियाँ क्या गई जनाब, हाथों का भी बेड़ा गर्क हो गया है। ठीक, इसी दिन हम इस मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे कि हाथों को कैसे कैसे सेट करना है। अभी तो जी मैं बहुत बिजी खड़ी हूँ, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, है ना। ये वर्किंग वेमेंस जो होते हैं उनका यही प्रॉब्लम होता है। ये ऐसे ही आपने ये देखे, ये इसको ऐसे लगाते जाना है, धीरे धीरे रब करना है। कोई इसकी क्लीनिंग जो है वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट काम है ही नहीं, बस आप ऐसे करते ही करते ये देखिए हो रहा है ना क्लीन। इस तरह से हम इस सारे के ऊपर लगा देंगे। अच्छा अपने ख्याल रखना है, इस साइड पे देखते हैं, ये यहाँ पे जो है ना, तो आपने ये ख्याल रखना है कि ये सारी चीज़ें उतर ना जाएं। तो यहाँ पे बहुत हल्के हाथ से आपने करना है। ये देखिए, अब ये जो कपड़ा था इसको मैंने पानी से वॉश कर लिया है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि हमने इसको सारा डिश वॉशर जो है वो लगा दिया है अंदर की तरफ पूरा, फिर ये निचोड़ के पानी में से निकाल के और निचोड़ के, ठीक है। ख्याल रखना है कि बिल्कुल पानी वानी नहीं करना आपने, पता चले जी सारे ओवन में पानी ही पानी हो, आज ब्लू है पानी पानी नो जी, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। समझदारी का मुजाहरा करना है आपने। ऐसे आप इसको क्लीन करते जाएं बैक साइड, जहां पर अभी नहीं पहुंचा, ठीक से डिश वॉशर नहीं लगा है या डिटर्जेंट आपका नहीं पहुंच पाया है, वहां आप फिर से कर सकते हैं। ये हल्के हाथों से
इस साइड पे अभी ठीक से नहीं लगा, देखें ये पहले मुझे लाइट यहाँ पे ठीक से आ नहीं रही थी तो दिख नहीं रहा था। यहाँ पे फिर से हम लगाएंगे डिटर्जेंट पाउडर या हमारे पास जो डिश वॉशर है लिक्विड वो लगा के फिर से हम इसी तरह से क्लीन करेंगे। ऐसे हम इसको क्लीन करके एक बार फिर से मैं ऐसे कर लूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसको इस साइड पे भी ठीक हो गया जी, अंदर से ऐसे है सारा जो हमने लगाया था ना उसको डिश वॉशर को आपने क्लीन कर देना है। ओके ये देखें कैसे क्लीन हो गया ना। तो अब हमने एक लेना है बिल्कुल ड्राई सा कपड़ा, सॉफ्ट लेना है ताकि कोई भी इसमें निशान ना पड़े, और उसके साथ हम इसको ऐसे ही थोड़ा सा ना सख्ती से, ये इसकी आवाज़ें हैं ऐसे जी, ज़रा सा ज़्यादा हाथ पे लगा दिया हो तो जहाँ जहाँ से ये आपको डस्ट दिखती जाए तो उसको ठीक से साफ कर देना है आपने। ऐसे ही इसको हम करते जाएंगे तमाम कोने खुदरों में भी। ये ठीक हो गया, ऐसे ही हम इसको साफ कर लेंगे। इसको हमने ड्राई कर लेना है, मैं आपको कंप्लीटली ड्राई करके फिर दिखाती हूँ। अब देखिए जी हो गया ना नीट क्लीन, ठीक है ये बहुत ही अच्छे से साफ कर लिया हमने ज़रा सी देर से ज़रा सी मेहनत से। इसी तरह से बाहर से भी आपने इसको क्लीन कर लेना है। कर देंगे हम ऑफ ऊपर भी, ये इसकी जो ऊपर की सतह है इसको भी आपने ऐसे ही पहले डिटर्जेंट पाउडर या लिक्विड जो आपके पास डिश वॉशर है वो लगा लिया, उसके बाद आप अच्छा ये जो एरिया है यहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है कि माइक्रोवेव एनर्जी डू नॉट रिमूव दिस कवर, तो हमने इसको रिमूव बिल्कुल नहीं करना, ख्याल रखना है पानी भी ना जाए इसमें। ठीक हो गया जी, ये कैसे इसकी सरफेस जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गई है। अब आ जाते हैं फ्रंट पे, तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से इसको करेंगे, ठीक सेम प्रोसेस सेम स्टाइल। यहाँ पे भी हमने ये इसको पहले लिक्विड डिश वॉशर के साथ जो भी इसके स्ट्रेन्स हैं उनको रिमूव करेंगे सारे के ऊपर, ये जी लगा देंगे इसके होल्डर को भी आराम आराम से, और जहाँ पर आपको ज़रा सा ज़्यादा मैसी दिखे वहाँ पर आप थोड़ा सा उसको रब कर सकते हैं। आप इस कपड़े को वॉश करके ठीक है फिर इसको निचोड़ के फिर सामने से क्लीन करते हैं। अब देखिए जी हो गया बिल्कुल क्लीन, ये चीज़ कैसे एकदम चकाचक, ठीक है क्लीन कर लिया हमने इसको, और फिर सारा इसको ड्राई भी कर लिया है ताकि कोई भी पानी का ड्रॉप जो है वो रहने ना पाए। तो क्योंकि जी रोज़ों की आमद आमद है तो फिर रोज़ों में बहुत ज़्यादा काम भी नहीं होता, और आपको सहरी इफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ओवन की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। ये देखें साइड भी क्लीन कर ली, ठीक हो गया, जहाँ पे आपको हल्का सा कोई स्टेन दिखे तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं। ठीक ये
यहाँ पर ये हमने सारी इसकी साइड्स भी क्लीन कर ली हैं, बस यही ख्याल रखना है कि पानी का कोई भी ड्रॉप इसके अंदर रह ना जाए, कोई जाने ना पाए। थोड़ी देर के लिए हम इसको खुला छोड़ देंगे, तो ये हमारी ओवन जो है उसकी क्लीनिंग कंप्लीट हो गई। सो कीप वॉचिंग माई चैनल एंड माई वीडियोज़, सी यू वेरी सून इंशाल्लाह, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।